एवरीवन, मेरा नाम है उपासना, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और मेरी आज की जो वीडियो है वो है वन ब्रांड मेकअप। तो आज मैंने मेकअप के लिए जो ब्रांड का यूज किया है तो वो है ब्लू हेवन। मैंने ब्लू हेवन के सारे प्रोडक्ट से यूज करके मैंने आज का ये जो मेकअप लुक है वो क्रिएट किया है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर भी करना एंड मेरी वीडियो पे कमेंट भी करना। और अब तक जो भी आपने मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पे एज ए प्राइमर यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल, और ये एलोवेरा जेल पतंजलि के, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल मेरे पास ब्लू हेवन का प्राइमर नहीं है तो इसी वजह से मैंने एलोवेरा जेल यूज किया है एज अ प्राइमर। और अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी ब्लू हेवन की लिप बाम। ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन थोड़ी सी मेरी स्किन के कलर से थोड़ी सी डार्क है, बट मुझे मार्केट में यही मिली तो मैं ले आई इसी। अब मैं इसे अपने फेस पे पूरी तरीके से डॉट डॉट मोशन में बना करके अप्लाई कर लूंगी। अब मैं इसे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी पूरे अपनी फेस पे, आईज पे, नोज पे एंड नेक पे अच्छी तरीके से। और जब आप मेकअप करते हो या फाउंडेशन लगाते हो तो अपने ईयर्स को भी ना भूले, और ईयर्स पे वो ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन लगाएं, जो आपके ब्यूटी ब्लेंडर में जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है आप वो प्रोडक्ट को डैप कर सकते हो अपने ईयर्स पे। अब मैं यहाँ पे ब्लू हेवन की स्टिक फाउंडेशन ले रही हूँ एज अ कंसीलर यूज़ करने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट में से स्टिक फाउंडेशन एंड फाउंडेशन भी मुझे अच्छी लगी। एंड इसकी जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है वो सबसे अच्छी मुझे लगी। एंड इसकी आई शेडो पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, एंड काजल भी बहुत अच्छा है इसका, और ऑल ओवर इसके सारे प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे। एंड अगर आप अफोर्डेबल रेंज में चाह रहे हो तो मुझे बहुत मतलब अच्छी लगी है तो आप ये ले सकते हो। एंड मस्कारा भी इसकी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है, आपके आईलेसेस को डिफाइन कर देती है अच्छी तरीके से। एंड मुझे पर्सनली थोड़ा सा इसका जो फेस पाउडर है यानी कि कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पाउडरी है, अगर आप अप्लाई करते हो ना तो बहुत ज़्यादा वो पैची पैची दिखता है, तो मुझे पर्सनली ये अच्छा नहीं लगा, बट मुझे बाकी अच्छे लगे। एंड यहाँ पे मुझे मेरे पास आईब्रो को फिल करने के लिए यहाँ पे कुछ था नहीं तो मैंने यहाँ पे काजल को एज अ आईब्रो फिलर यूज़ किया है। तो मैं आईब्रोज के लिए काजल का यूज़ कर रही हूँ, मैं हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा रही हूँ काजल के, क्योंकि वो डार्क होने से वो फेक लगने लग जाते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का आई शेडो, और इसमें आपको सिर्फ चार कलर ही मिलते हैं, तो अगर आप अलग अलग वेरिएंट में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। और इसकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी है पिगमेंटेशन इसकी, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, और अफोर्डेबल भी है, आप ले सकते हो। और इसकी जो कलर्स है आप एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो, तो आपकी टू इन वन काम हो सकते हैं इसको लेने से। अब मैं यहाँ पे लाइट वाइट कलर की शिमर वाली जो आई शेडो है मैं पिंक के ऊपर अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लू हेवन का आई लाइनर, और ये भी मुझे अच्छी लगी, इसकी जो ब्रश जो है लगाने में बहुत आसानी होती है, आप विंग्स बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो उससे। आप देख सकते हो कितनी आसानी से लग गई है। एंड अब मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा, आप कोई भी ले सकते हो, ये वाला एक ये आता है, एक रेड कलर का भी आता है, तो मुझे पर्सनली ये पसंद है क्योंकि ये आपके आई लैशेस को ना कर्ल कर देता है, क्योंकि ये जो उसके स्पूली है ना बहुत अच्छी है वो, और वो वाली जो एक रेड वाली जो मैंने बताया उसमें जो आती है
वो उसकी स्पूली स्ट्रेट आती है। एंड अब मैं यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का, और ये काजल बहुत अच्छा है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। अब मैं यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ब्लश। ब्लश भी मुझे उतनी पसंद नहीं आई, ब्लश का जो कलर है वो उतनी अच्छी तरीके से उभर के नहीं आ रहा था। एंड अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लिपस्टिक, और इसका रिव्यू मैंने पहले दिया हुआ है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप प्लीज़ चेक करना। और मैंने प्राइमर का भी रिव्यू किया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप प्लीज़ यहाँ देख लेना। एंड अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेस सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे वीडियो पे कमेंट करें। एंड तब तक के लिए बाय, और सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव एनवायरमेंट एंड रिस्पेक्ट गर्ल्स। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।